बहावल नगर में हाल ही में पेश आया वाकया अफसोसनाक। सिक्योरिटी इदारे और पुलिस मिलकर इंक्वायरी करेंगे। कवानीन की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और असल हकायक का पता चलाया जाएगा। ISPR के मुताबिक रियासती इदारों में तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। पाक फौज और पुलिस की मुश्तरका कोशिशों से मामला फौरी तौर पर हल कर लिया गया। बहावल नगर वाकये की तहकीकात पंजाब हुकूमत ने ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। महकमा दाखिला और सिक्योरिटी इदारों के हुकाम शामिल। सूबाई तर्जुमान के मुताबिक मुफाद परस्तों को पाकिस्तान की खिदमत करने वाली तमाम फोर्सेस के दरमियान इत्तेहाद और ताउन के जज्बे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वाकया SOPs पर अमल न करने की वजह से पेश आया। पुरानी वीडियोज को भी सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश भी की गई। IG पंजाब का रद्द अमल, कानूनी तकाजे को पूरा करने का अयादा। तहरीके तहफ्फुज़े आईन पाकिस्तान, इस तहरीक का सदर महमूद खान अचकज़ई साहब को नॉमिनेट कर रहे हैं। कल 2 जलसे बलूचिस्तान में इस इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से होंगे। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। 6 अपोजिशन जमातों का तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से तहरीक का ऐलान। आज पशीन और चमन में जलसों का ऐलान। क्वेटा में रहनुमाओं का इजलास। महमूद अचकज़ई तहरीक के सदर नामजद। मुल्क में आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहते हैं। उमर अयूब की गुफ्तगु। सूबाई हुकूमत भी इन एक्शन। पशीन में दफा 144 नाफिज कर दी। बलूचिस्तान मगरबी हवाओं के जेर असर। चमन, मच, कोहलू और बारखान में जल थल। बारिश के बाद स्पीड स्ट्रीम। जालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। नशेबी इलाके जेर आब। कलात में मिट्टी का तूफान। दीवारें गिर गईं। सोराब और पशीन में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जान बहक। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों और जालाबारी की पेशगोई। कई इलाकों में अलर्ट जारी। बेटा था मेरा, वो भी इन लोगों ने मार दिया। उसके सर पे गोली मारी। कराची में सफाक लुटेरों ने एक और घर उजाड़ दिया। डकैती मुजाहमत पर वालिदैन का इकलौता बेटा और घर का वाहिद कफील कत्ल। 35 साल तुराब जदी दोस्त के हमरा ATM से रकम निकाल कर निकला। गुलशन चौरंगी के करीब मुलजिमों ने घेर लिया। मकतूल की नमाज जनाजा अदा। तदफीन के दौरान रिक्कत अमेज मनाजिर। मुकदमा दर्ज। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस मुलजिमों का सुराग न लगा सकी। कराची के डिफेंस फेस 5 में नामालूम अफराद की फायरिंग। 24 साल नौजवान दम तोड़ गया। कार सवार मुलजिम फरार। पुलिस की तहकीकात जारी। पोर्ट कासिम के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान बहक। मिलत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार का खातून पर तशद्दुद वीडियो वायरल होने के बाद मीर हसन गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DIG रेलवे का नोटिस। तहकीकात जारी। लाहौर में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से बहू जहां बहक। भिनोई 10 लाख रुपए का तकाजा कर रहा था। रकम न मिलने पर बहन को गला दुबाकर मार डाला। मकतूला के भाई का इल्जाम। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शौहर और ससुर मुलजिम नामजद। शालमार टाउन में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाला 9 साल का बच्चा। मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। लाश मिल गई। मुलजिम गिरफ्तार। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सफाक शख्स के हाथों कत्ल। 7 बच्चे और बीवी सुपुर्द खाक। एक साथ जनाजे उठने पर कोहराम। हर आंख अश्कबार। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। लर्जा खेज वारदात की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात। मौशी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल। आइंदा दौरा अमरीका और IMF हुकाम से तयशुदा मुलाकातों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर रहा है। मईशत भी बेहतर हो रही है। सरबरा मॉनिटरी फंड क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का अटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक से खिताब।
छोटे सार्फिन पर बड़ा बोझ डालने की तैयारी। IMF की शर्त पर बिजली की क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का प्लान। टैरिफ 8 रुपए फी यूनिट बढ़ने का खदशा। पहले मरहले में 592 अरब की रियायत खत्म की जाएगी। हुकूमत इस वक्त पावर सेक्टर को मजमूई तौर पर 976 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। तमाम वादे पूरे करके खुशहाली वापस लाएंगे। किसानों और आवाम को रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। नवाज शरीफ पर अजम। लीगी कायद की शाहकोट से मुंतखब MPA राना अरशद से गुफ्तगू। दोबारा गिनती में अवामी मैंडेट मिलने पर मुबारकबाद। नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और अहले खाना भी हमरा। 2 से 3 रोज कयाम करेंगे। मीठी ईद गुजर गई। आखिरी रोज भी मौज मस्ती। दिन भर पार्कों में रश। तफरीही मकामात पर रौनकें। इस्लामाबाद के शहरियों के दामिने कोह में डेरे। कराची वाले सी व्यू पर मौज मस्ती करते रहे। लाहौर का सफारी जू भर गया। रात को ख्वाबों पर जोर। गपशप का दौर। मजे मजे के पकवानों से तबाजो। दो का ईद सीजन फ्लॉप। खरीदारी 40% तक महदूद। मुल्की तारीख की बदतरीन मंदी ने ताजरों के होश उड़ा दिए। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इतिहाद का दावा। अतीक मीर कहते हैं ताजर सिर्फ 15 से 18 अरब रुपए का माल बेच सके। गोदामों में मौजूद 70% से ज्यादा सामान फरोख्त नहीं हुआ। ईरान 48 घंटे में इसराइल पर हमला कर सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने सिहूनी हुकूमत की हवाइयां उड़ा दी। अमरीकी सिफारती अहलकारों की नकलो हरकत पर पाबंदी आए। सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हमनसब से राबता। मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। ईरान पर वाज़े कर दिया है अमरीका दमिश्क हमले में मुलविस नहीं। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी की ब्रीफिंग। इसराइल को किए की सजा जरूर मिलेगी। ईरानी वजीर खारजा की जर्मन और बरतानवी हमनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा धचका। फिन एलन और एडम मिलन T20 सीरीज से आउट। विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडल और ऑलराउंडर जैक फॉक्स मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल। पहला T20 18 अप्रैल को रावलपिंडी में शेड्यूल। विमेन क्रिकेटर आलिया रियाज शादी के बंधन में बंध गई। वकार यूनस के भाई कमेंटेटर अली यूनस से निकाह। लाहौर में पुरवकार तकरीब। कौमी क्रिकेटर्स भी शरीक। और खानदान के आखिरी रुकन को सीरियल किलर से बचाने का मिशन। हॉरर फिल्म ब्लडलाइन किलर का दूसरा ट्रेलर रिलीज। मूवी 26 अप्रैल को धूम मचाएगी। मिलत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार का खातून पर तशद्दुद वीडियो वायरल होने के बाद मीर हसन गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DIG रेलवे का नोटिस। तहकीकात जारी।